हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अप बेटा। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी आईएमपी वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि काफ़ी अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनके कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो होने वाली है। यूपी पुलिस 49,500 अड़फट नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस भर्ती में सबसे बड़ा खेल हमें देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में जो 49,500 अड़फट की प्रक्रिया है उसके अंदर दोस्तों एफएम और आईजी को लेकर के फुल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट हो, एक्स वाई जेड, वीडियो को देखने के बाद सभी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अभ्यर्थी बता रहे हैं अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं और घटे भी हैं लिफ्ट में 100% विद प्रूफ के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर और सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं थंबनेल पर, आप देख लिया होगा थंबनेल पर जो होता है वही वीडियो के अंदर आपको मिलता है। ये स्टडी अप बी टाइम की सबसे खास बात है। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, देखने के बाद सभी मित्रों में शेयर करना 100% विद प्रूफ के साथ। 9,007 छात्रों का नंबर आएगा। क्या क्या है भर्ती बोर्ड ने सब कुछ देखना इस वीडियो में। 182 से 172 कम हुए हैं, ये सब कुछ देख सकते हैं। 77 से 175 हुए हैं, 52 से 170 बढ़े हैं एससी में, 190 से 174 जनरल में कम हुए हैं। तो ये सब कुछ सवाल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस 49,500 अड़फट भर्ती को कोई भी मन में सवाल हो, एनी डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी अभ्यर्थी कोई भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने स्टडी अप बी टाइम चैनल के इस लाल कलर वाले बटन यानी सब्सक्राइब यूट्यूब सब्सक्राइब को नहीं दबाया है, दबाने के बाद प्रेस एंड बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना। सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी 100% स्टडी अप बी टाइम यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 49,500 अड़फट वाली भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। यहाँ पर फाइनली रिजल्ट भी जारी कर दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है भर्ती बोर्ड ने। जितने कैंडिडेट थे उन्होंने उनको यहाँ पर पास कर दिया है। टोटल कैंडिडेट थे 49,500 अड़फट ही वैकेंसी थी और 49,500 अड़फट ही टोटल कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों इसमें जो लिस्ट आई हैं वो करीब 10 लिस्ट आई हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर 10 लिस्ट करीब लगाई गई हैं। 10 लिस्ट में से करीब 9,007 करीब कैंडिडेट यहाँ पर डिसक्वालीफाई यानी के फेल हुए हैं। अब उसमें देखने वाली दोस्तों ये बात है कि 9,007 कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए, उनका भी यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने इस बार रीज़न भी क्लियर कर दिया है। रीज़न ये क्लियर कर दिया है कि किसी कैंडिडेट के यानी के 174 हैं तो 176 पे पीएससी की मेरिट लगी है, तो वो भी बता दिया कि आप यहाँ पर 2 नंबर से रह गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कमेंट करके कह रहे हैं सर 38 34 ये है कट ऑफ और 176.38 34 पर ही लगी है मेरिट पीएससी की। अब दोस्तों ये कैंडिडेट कह रहा है सर मेरे तो इतने नंबर थे तो मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में और वहाँ पर लिखा हुआ रहा है टाई रूल्स, इसका नियम क्या होता है। तो टाई रूल्स का नियम दोस्तों ये होता है कि कोई भी अभ्यर्थी है उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है उससे देखा जाता है। क्या कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो ओवर एज हो चुका है तो दोस्तों उसका पहले नंबर यहाँ पर आएगा, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देखा जाएगा, फिर ओवर एज के आधार पर देखा जाएगा। दोस्तों टाई रूल के नियम कही होते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा जिसकी यानी के ओवर एज कम है, डेट ऑफ बर्थ भी कम है, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर पहले किया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हमने लिस्ट में देखे थे, हमने देखा था कि उसमें एक कैंडिडेट यानी के ओवर एज के आधार पर भी निकाला गया है, वहाँ पर रीज़न बताया था ओवर एज। उस कैंडिडेट के 176 नंबर थे, 38 34 थे, वो भी हमने लिस्ट में देखा, तो वहाँ पर टाई रूल्स का नियम बता करके उसे ओवर एज में भी निकाला गया है, 176 पर ही नंबर थे और 176 38 34 यानी के कट ऑफ भी उतनी पर लगी है पीएससी की। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, कमेंट कर रहे हैं सर हमें ये बताइए कि
कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट नज़र आए हैं, उनके नंबर यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। 9,007 कैंडिडेट यानी कि फेले हैं। वाकयवाद अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर हमें तो बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। अभ्यर्थी कमेंट करके कह रहे हैं अब दोस्तों कि हमें तो बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। हमने अपने नंबर FM ऐड करने के बाद मान के चलिए कि 190 थे, और जब हमने लिस्ट को देखा तो उसमें हमारे नंबर 170 दिखाए गए। ऐसा ये क्यों हुआ दोस्तों, ये क्या है, तो वो भी मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसा अभ्यर्थियों ने हमारे पास कमेंट किया था, जो स्टडी अब बेटा हमने कहा कि जो भी कमेंट करेगा उसका रिप्ले 100% मिलेगा वीडियो के अंदर और आपको भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सर OBC फीमेल का 153 नंबर पर हुआ है, 153 नंबर पर हुआ है, क्या प्लीज़ रिप्ले। तो दोस्तों बिल्कुल भी 153 नंबर पर फीमेल का नहीं हुआ है, जो कट ऑफ लगाई गई है 167 नंबर पर लगाई गई है। अगले कमेंट देखते हैं, इन्होंने बताया है, इनका नाम है अंशुल सैनी। सर 49,568 में किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है? 28 की सेकंड में 204 नंबर थे बिना FM के, और 8 क्वेश्चन गलत थे, और इनके 4 नंबर कटकर 200 थे, और अब कुल 181 ही आए हैं। सर प्लीज़ प्लीज़ रिप्ले। तो दोस्तों ये अभ्यर्थियों ने हमारे पास कमेंट किया है, और देखने के बाद देख सकते हैं हम आपको विद प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे हैं सर 200 नंबर थे और कट करके यहाँ पर 181 रह गए हैं, यानी कि 28 की सेकंड शिफ्ट थी, 204 नंबर थे बिना FM के, और 8 क्वेश्चन गलत थे इनके। 204 नंबर में से अब देख सकते हैं कि 181 नंबर यहाँ पर रह गए हैं। दोस्तों देखिए अगला मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा वीडियो के अंदर, आप बने रहिए वीडियो के साथ और भी आपको मैं। अब दोस्तों अगला कमेंट है, आप देख सकते हैं नेत्रपाल सिंह, सर मेरा 187 OBC नहीं हुआ है, क्या करें? तो देखो 187 तो 176 पे तो OBC की PSC की कट ऑफ गई है, उसके बाद 185 नंबर पर सिविल गई है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा 187 पर नहीं हुआ है, तो क्या रीज़न है? आप जाइए अच्छे से लिस्ट को चेक करिए, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, क्या आपके रनिंग क्लियर नहीं है, या आपने सिग्नेचर नहीं किए थे, वहाँ कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो सकती है। उसके बाद अगला कमेंट किया है प्रियांशु ने, FM नहीं मिले हैं भाई, मेरे 9 क्वेश्चन हटाए गए, नहीं तो मेरे 195 आ रहे थे, अब 181 हो गए, 28 की फर्स्ट शिफ्ट में था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे नंबर घटाए गए हैं, ये कितनी बड़ी सच्चाई है दोस्तों, ये तो आपको मैं भेद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इन अभ्यर्थियों से कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, और ये अभ्यर्थी भी कमेंट अपना देख लीजिए, मैं आपको उनको कमेंट दिखा रहा हूँ। जब तक आप कमेंट करके हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। अब ये कैंडिडेट कह रहा है कि 195 हमारे आ रहे थे, यानी जब FM नहीं मिलाए तब 9 क्वेश्चन इसमें हटा लिए गए, 28 के फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 9 FM दिए गए थे, इन्होंने यहाँ पर साफ सा लिखा है, और 9 FM हटाने के बाद 195 से 181 हो गई, ये कैसे हो सकता है? ये भर्ती बोर्ड की कमी है या फिर कोई बच्चों ने कमी यहाँ पर करी है, ये सब कुछ क्लियर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सर ये जो मेरिट डाउन हुई है जनरल PSC वालों की, उसमें जनरल वालों को नहीं लिया, 180 से 185 तक सब OBC वाले ही घोटाला हुआ है। तो शुभम कुमार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जो सोच रहे हैं। अगला कमेंट देखते हैं, राघवेंद्र सैनी ने यहाँ पर कमेंट किया, सर मेरे 181.5 थे, अब 176 दिखा रहा है, OBC मेरा नहीं हुआ। तो दोस्तों देखने वाली बात यहाँ पर है कि इनके 181 नंबर 0.5 थे, और अब उनके 176 दिखा रहा, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं इन बता देना चाहता हूँ इन कैंडिडेट को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, क्योंकि इनको पहले नॉर्मलाइजेशन भर्ती बोर्ड ने दे दिया हो और बाद में इन कैंडिडेट का यहाँ पर IG कर दिया है, यानी इग्नोर आइटम, कोई भी नंबर नहीं दिया। आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आपके मन में कोई भी सवाल हो वो भी क्लियर कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लिखा है सरोज कुमार है इनका नाम, 198 से 184 हो गया,
मेरा कैटेगरी ओबीसी है, बट मेरा सिलेक्शन ओसी में हुआ है और मेरा 28 सेकेंड शिफ्ट में 14 नंबर घटाए गए हैं। यानी कि इनका सिलेक्शन हो गया और इन्होंने हमें बताया कि 198 से 184 नंबर हो गए हैं, और ओसी का मतलब ये है कि ओपन कैटेगरी यानी जनरल श्रेणी के अंदर सिलेक्शन हुआ है नंबर ज़्यादा होने के कारण। अगला कमेंट है, देख सकते हैं, गुंजन गुंजन सर मेरे नंबर काट लिए गए हैं 28 की फर्स्ट शिफ्ट में द एग्ज़ाम। इनका कोई रीजन हमें समझ में नहीं आया इन्होंने क्या लिखा है। अगला कमेंट देखते हैं, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं सर मेरे भी यानी 12 नंबर काट लिए गए हैं। इन्होंने भी यहाँ पर कमेंट करके बताया, ये क्लियर नहीं किया कि किस शिफ्ट में काटे हैं, कितने नंबर थे टोटल, इन्होंने ये नहीं लिखा है। अगला कमेंट देखते हैं, आई एम सिलेक्टेड इन पीएससी, चलो अच्छी बात है। सानू स्टडी इन्होंने कमेंट किया है 190.50 थे, 174 रह गए, तो सिंपल सी बात है, अगर 174 इनके यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये तो अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ये सही नंबर देख करके बताए हैं। तो देखो देखो भाई, 190 से लेकर के आप देख सकते हैं 174, तो इस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगला कमेंट देखते हैं, ज्ञान अनमोल ने यहाँ पर कमेंट किया है सर मेरे 205 नंबर हैं, पर ना तो सिलेक्ट में हूँ ना नॉट सिलेक्टेड में नाम है ओबीसी, क्या करूँ। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 200 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं क्यों नहीं है। आप लिस्ट में जाइए, अच्छे से चेक करिए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई रीज़न ज़रूर बताया होगा। तो दोस्तों अगला कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, अभिषेक सिंह ने यहाँ पर कमेंट किया सर मेरे 182 थे बट 172 शो कर रहा है ओबीसी 28 की सेकंड। तो दोस्तों हमें तो यह लगता है कि भर्ती बोर्ड ने यानी पिछली जो मतलब DVPFT की लिस्ट लगाई थी उस टाइम अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन दिया था, और नॉर्मलाइजेशन देने के बाद अब उन सब कैंडिडेट को जिनको नॉर्मलाइजेशन दिया गया था उन सभी नंबर यहाँ पर IG कर दिया है सभी का। जिसको FM यानी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला उनका नंबर यहाँ पर बढ़ा दिया है दोस्तों, जिनको नॉर्मलाइजेशन दिया था उनका नंबर यहाँ पर कम कर दिया है। तो इस कैंडिडेट का सिंपल सी बात है कि 182 नंबर था, तो इसका PSC के अंदर सिलेक्शन होना था, मगर अब इसका ना ही PSC में हो पाया है ना ही जनरल में, देख सकते हैं 172.3 यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा ये कमेंट मुझे दिक्कत में डाल रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा श्याम सुंदर इस कैंडिडेट का नाम है। सबसे बड़ा यानी कमेंट ये मुझे, मैंने देखा गौर करके, मेरे 152 थे लेकिन अब 170 SC में शामिल मिला है। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी सच्चाई है, और ये कितना बड़ा मतलब ये है कि इस चीज़ को जब तक भाई आप कैंडिडेट श्याम सुंदर जब तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखोगे और ये लिख के हमें नहीं बताओगे, 152 नंबर से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 18 नंबर इस कैंडिडेट को यहाँ पर दिए गए हैं SC कैटेगरी के अंदर। 152 से लेकर के यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 170 नंबर ये कैंडिडेट बता रहा है। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी सच्चाई आप ही इससे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों अगला कमेंट देख सकते हैं, कपिल कुमार नाम इस कैंडिडेट का है, मेरा 169 विद FM 27 की सेकंड OBC में था, मेरा मार्क 176.9968 बना है, आई एम सिलेक्टेड PSC। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट के यहाँ पर कम से कम 69 नंबर थे और 27 की सेकंड शिफ्ट में था, तो इसको भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन दिया गया है और इसका सिलेक्शन यानी 176 पर कट ऑफ थी, और इसका यहाँ 76.8 कुछ पर कट ऑफ थी PSC की, और इसका यहाँ पर 76.968 यहाँ पर बना है, इसने हमें कमेंट करके बताया। आप भी देख सकते हैं कि इसको नॉर्मलाइजेशन कम से कम 7 नंबर का यहाँ पर दिया गया है। इसने ये नहीं लिखा है कि इसने FM करने के बाद ये नंबर ऐड किए हैं या फिर इसको नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो इस प्रकार से देखा जाए जिन कैंडिडेट को पहले नॉर्मलाइजेशन मिला था उनका DVPFT में नंबर आया था, अब जिन उन उस टाइम जिन कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला उनको नॉर्मलाइजेशन अब दिया है, और उन सभी के IG कर दिया गया है। तो दोस्तों कोई भी मन में डाउट्स सवाल हो सब पूछ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कोई भी आपके सवाल मन में होंगे डाउट सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।